ना प्यार ना पैसा ना बच्चे ना रुतबा ना परिवार, अब चाहिए बस फॉर्चुनर कार। ज्योति मौर्य ने की आलोक मौर्य की काले कारनामों का पर्दाफाश। आलोक ने कर दी ऐसी मांग जिसे सुनकर योगी भी हो गए हैरान। पहले अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छाया। आलोक ने रिश्तों को किया बदनाम, बेडरूम के राज को किया सरेआम। 13 साल के इश्क में आया जानलेवा रिस्क। ज्योति ने कर दिया जंगी ऐलान, अब होगा तलाक से समाधान। तलाक के लिए अर्जी देकर ज्योति ने कराया आलोक के खिलाफ केस दर्ज। आलोक ने भी चली चाल, हत्या की साजिश का खुलासा कर ज्योति के साथ कर दिया बवाल। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। प्रदेश के सबसे छोटे अधिकारी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इसमें दिखाई पड़े, लेकिन ये मामला सुलझने के बजाय लगातार और उलझता जा रहा है। इस मामले के इतने साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि कोचिंग सेंटर से लोग अपनी बीवी और फियांसे को घर वापस बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मामला बिहार से सामने आया, उसे देखकर किसी की हंसी निकल गई तो कोई हैरानी में पड़ गया। बिहार में पीसीएस की तैयारी कर रही पत्नी का कहना है कि वो अपने पति को धोखा नहीं देगी, बावजूद इसके पति अब पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता। महिला थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगा चुकी है, लेकिन पति ने यूपी के ज्योति मौर्य केस का जिक्र करते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन ज्योति और आलोक के केस में अब एक नई कहानी ने एंट्री ले ली है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद अब देश के कोने कोने से सुर्खियां बटोर रहा है। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाने और फिर उसी एसडीएम पत्नी का मनीष दुबे के नाम एक अन्य अधिकारी के साथ इलू इलू की काफी चर्चा गर्म है। यही नहीं, ज्योति मौर्य के मनीष दुबे के साथ लव जानू सोना बाबू वाली पर्सनल चैट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी बीच ज्योति मौर्य ने प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आलोक मौर्य पर फॉर्चूनर गाड़ी की मांग करने के साथ साथ उत्पीड़न करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए ज्योति मौर्य के बयान दर्ज कर लिया है और अब पति आलोक मौर्य का बयान दर्ज किया जाना है। पुलिस ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ज्योति से कुछ और सबूत देने को कहा है। आपको बता दें कि आखिर ज्योति ने अपनी शिकायत में कहा क्या है। ज्योति ने कहा है कि आलोक और उसके परिवार वाले उनसे फॉर्चूनर कार की मांग कर रहे थे। इसके अलावा ससुराल वाले भी मुझे प्रताड़ित करते थे, साथ में फॉर्चूनर तक की मांग करते थे। उनका इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मोबाइल से मेरे अश्लील वीडियो बना लिए और उनके जरिए मुझे ब्लैकमेल किया। उधर अपनी बेटी के पक्ष में उतरते हुए ज्योति मौर्य के परिजनों ने कहा है कि आलोक ने झूठ बोलकर शादी की थी। उसने शादी से पहले खुद को पंचायत अधिकारी बनाया था जबकि वो सफाई कर्मी था। इस मामले पर ज्योति ने भी माना कि पति आलोक ने उसकी पढ़ाई में मदद की थी, लेकिन ज्योति ने यह भी साफ कर दिया कि यदि किसी ने पढ़ाई में मदद की तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉर्चर करेगा। ज्योति ने कहा कि इस मामले को जिस तरह से पब्लिक में लाया गया वो गलत है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। रिश्ता चाहे कितना भी खराब हो जाए उसे लीगली सुलझाया जा सकता है, मगर आलोक ने 12 साल के रिश्ते को पब्लिक में ला दिया। अब इस पर मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, साथ में आईटी एक्ट के चैट को वायरल करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। इस मामले में अब ज्योति ने पति आलोक मौर्य, उनके भाई अशोक मौर्य, विनोद मौर्य और भाभी प्रियंका मौर्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके सबको ये बताने की कोशिश की है कि एक नारी सब पर कभी भी भारी पड़ सकती है। ज्योति ने यह भी आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने उनके व्हाट्सएप का क्लोन लिंक लिया और एडिटिंग कर गंदी फोटो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। लेकिन क्या वाकई आपको ज्योति के इस थ्योरी में कोई सच्चाई नजर आती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।